यहाँ पर आपका GPCR, हमें जिसे बोलते हैं जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, हम इसे जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर ही क्यों बोलते हैं? हेलो, हाय एवरीवन, माइसेल्फ डॉक्टर शिवानी शर्मा एंड टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ वेरी स्मॉल टॉपिक विद यू व्हिच इज़ योर GPCR पाथवे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दी GPCR पाथवे. ओके, सो व्हाट इज़ दिस GPCR? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय GPCR? GPCR क्या होता है आपका? दिस इज़ जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर. ओके, दिस इज़ जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स. एंड ये जो रिसेप्टर होता है, दिस इज प्रेजेंट आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होता है एंड दिस इज द लार्जेस्ट फैमिली ऑफ द सेल सरफेस रिसेप्टर. ओके, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज लार्जेस्ट फैमिली ऑफ द सेल सरफेस रिसेप्टर. ओके, अब ये लार्जेस्ट फैमिली है सेल सरफेस रिसेप्टर की. अभी इसके साथ कौन से मॉलिक्यूल बाइंड करेंगे जो हाइड्रोफिलिक इन नेचर होंगे? हाइड्रोफिलिक कौन होते हैं? जो पानी से प्यार करते हैं एंड दे हैव अ फोबिया, सॉरी दे आर लविंग विद द वाटर. ओके, बट दे आर अनेबल टू पास द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. दैट्स वाई फर्स्ट दे हैव टू इंटरैक्ट विद द सेल सरफेस रिसेप्टर एंड देन दे अलाउ एंटर इन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. बट अगर कोई हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता, कोई लाइगेंड फॉर एग्जाम्पल, एनी एक्स वाई जेड लाइगेंड वी हैव फॉर एग्जाम्पल योर स्टेरॉइड्स, दे आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर, मीन्स ये पानी को प्यार नहीं करते, दे हैव अ फोबिया विद वाटर, सो दे डायरेक्टली क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. बिकॉज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ बायोलिपिड लेयर ना, तो ऊपर तो बायोलिपिड है, सो दे इजली क्रॉस द लेयर. ओके, बट ये नहीं कर सकते, दे आर नॉट एंटर्स इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन. ओके, अभी यहाँ देखो क्या होता है. यहाँ पर आपका GPCR, हमें जिसे बोलते हैं जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, हम इसे जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर ही क्यों बोलते हैं? बिकॉज अगर मेरे पास फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव एनी एक्स प्रोटीन एंड दिस एक्स प्रोटीन इज हैविंग GDP, तो ये क्या हो गया मेरा? ये मेरा हो गया जी प्रोटीन. ओके, अगर मेरे पास कोई वाई प्रोटीन है, अगर इसके पास GTP है, तो ये भी क्या हो गया मेरा? जी प्रोटीन हो गया. क्लियर? अब ये GTP क्या है? दीज आर द ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग प्रोटीन. जी प्रोटीन क्या होते हैं आपके? ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग प्रोटीन. ओके, अब ये GPCR रिसेप्टर उन्हीं पे मिलेंगे जिनके पास ये ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग प्रोटीन होगा, तभी तो इसे GPCR बोले, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर. उन्हीं पे मिलेंगे जिनके पास ये जी प्रोटीन प्रेजेंट है. फॉर एग्जाम्पल, सपोज ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आउटसाइड रीजन को आप क्या बोलते हो? एक्सोप्लाज्मिक डोमेन. अंदर वाला साइड, इनर साइड, दिस इज नोन एज साइटोप्लाज्मिक डोमेन. ओके, एंड दिस रीजन बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज नोन एज ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन. ओके, अब ये जो आपका पर्टिकुलर GPCR रिसेप्टर है, दिस पासिस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अबाउट 7 times. कितने टाइम पास करता है? 7 times. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज 1 time, 2nd time, 3rd, 4th, 5th, 6th and 7th. How many times this receptor passing the plasma membrane? 7 times. Okay, so this GPCR receptor 7 times passes the transmembrane. And it look like na, some reptile is crawling. Okay, ऐसा लग रहा है ना, कुछ reptile crawl कर रहे. So this is also known as serpentine. This is also known as serpentine. Okay, now see how this GPCR pathway is going to be activated. First of all, if I have any X protein, if they have a GDP, definitely this is my G protein. But अगर किसी X protein के साथ मेरा GDP है, तो ये किस form में है? ये off condition में है.
And now I want to it on so that my pathway will going to run. So this X protein, this will going to be activated by the help of GTP. GDP से GTP में convert होता है by the help of GAF activity. What is GAF activity? Guanine exchange factor. This is your guanine exchange factor. Okay. By the help of this GAF activity, this GDP going to convert into the GTP. अब GTP में हो गया, तो this is present in the on condition. अब ये on condition में, clear? अभी next आपका जो G protein होता है, G protein found in two type. एक होता है monomeric G protein and the one we have trimeric G protein. Monomeric have only one subunit and this is found in the RAS and RTK pathway. ये कहाँ मिलेगा आपको? RAS and RTK pathway में. Trimeric have three subunit, alpha, beta and your gamma. Is it clear? Now देखो क्या होगा. Just assume this is plasma membrane. हमने माना ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन. दिस इज एक्सोप्लाज्मिक डोमेन, साइटोप्लाज्मिक डोमेन, ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन. ओके, हेयर आई हैव माय जीपीसीआर रिसेप्टर. सो दिस इज माय जीपीसीआर 2, 3, 4, 5, 6. ओके, अब नाउ माय लाइगेंड मॉलिक्यूल. दिस लाइगेंड कुड बी एनीथिंग. जस्ट एज्यूम दिस इज माय इंसुलिन. ओके, अभी जब लाइगेंड मॉलिक्यूल अटैच्ड होगा यहां पर तो क्या होगा? बिकॉज ऑफ दिस अ कन्फर्मेशनल चेंज टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्मिक रीजन. सो साइटोप्लाज्मिक रीजन में यहां इसके रिसेप्टर क्या हो जाएंगे? एक्टिवेटेड एंड दे स्टार्ट गिविंग सिग्नल्स टू दी जी प्रोटीन. यहां जी प्रोटीन किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा? इन दी ट्राइमेरिक फॉर्म. अब यहां देखो दिस जी अल्फा इट इज पेनिट्रेटिंग विद दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अभी जी गामा इज ऑल्सो पेनिट्रेटिंग विद दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बट नॉट जी बीटा. बीटा नहीं करेगा आपका पेनिट्रेट. बीटा इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होगा. अल्फा एंड गामा सब यूनिट पेनिट्रेटिंग टू दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली. दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट. ओके, सो सी व्हेन अ लाइगेंड बाइंडिंग टू दी रिसेप्टर साइटोप्लाज्मिक कंफर्म. सी when ligand binds with receptor cytoplasmic conformational change take place. Okay, because of this what happened? ये क्या करेगा? अपना कन्फर्मेशन चेंज करेगा जिसकी वजह से यहाँ पर रिसेप्टर एक्टिवेटेड होंगे एंड वो इस जी अल्फा की गैस एक्टिविटी करवा देंगे बाय द हेल्प ऑफ द एंजाइम्स. ओके, नाउ दिस रिसेप्टर्स दे आर एबल टू डू गैस एक्टिविटी द जी अल्फा. ओके, अब जब यहाँ पर ये जी प्रोटीन इनएक्टिव फॉर्म में है तो अब इस रिसेप्टर के एक्टिवेशन होने की वजह से इसकी क्या कराएंगे? गैस एक्टिविटी. अब गैफ एक्टिविटी होने के बाद क्या होगा? जी अल्फा इज हैविंग अ जीटीपी. अब जैसे ही यहां जी अल्फा इज अटैच्ड विद द जीटीपी, सो जो बीटा एंड गामा सब यूनिट होंगी ये इससे डिसोसिएट हो जाएंगी. ये इससे क्या हो जाएंगी? अलग हो जाएंगी. क्लियर? अभी देखो जैसे पहले ये किसमें प्रेजेंट था? इट इज प्रेजेंट इन द ट्राइमेरिक फॉर्म. जब लाइगेंड आके लगा साइटोप्लाज्मिक कन्फर्मेशनल चेंज हुआ बिकॉज ऑफ दिस रिसेप्टर्स हेयर आर गोइंग टू बी एक्टिवेटेड एंड दिस रिसेप्टर्स आर एबल टू डू गैफ एक्टिविटी ऑफ दिस जी अल्फा. बिकॉज जी अल्फा दिस एंटायर यूनिट इज इन द इनएक्टिव फॉर्म, मीन्स दे हैव जीडीपी. सो बिकॉज ऑफ दिस रिसेप्टर्स एक्टिविटी गैफ एक्टिविटी टेक प्लेस एंड जी अल्फा बिकम एक्टिव. ओके, एंड व्हेन जी अल्फा बिकम एक्टिव दिस स्ट्रक्चर डिसोसिएटेड इनटू द टू पार्ट. अब ये ट्राइमेरिक स्ट्रक्चर क्या हो गई?
this trimeric structure dissociated into the two part. The one is G alpha with having GTP, and the another one we have beta and the gamma one. Okay. Next, the another pathway will start, and this pathway is your protein kinase pathway that I will discuss with you in my next session. Okay. So GPCR pathway पता चला कैसे होता है? GPCR pathway का ही continuation होता है आपका CAM pathway, or you can call it as a protein kinase pathway. Okay. So GPCR pathway में ligand attached to the receptor, and then a cytoplasmic conformational change take place which activated the receptors in the cytoplasm, and this receptors are capable to do the CAF activity of G alpha. Once a G alpha become active, this trimeric structure got dissociated into the two. The one is G alpha subunit, and the another we have a dimeric unit. Yes, kitis usme dissociated hua aapka do mein. The one you get it the monomeric subunit, and the next is your dimeric subunit. Okay, and next I will discuss with you CAM pathway or protein kinase pathway. Okay, that's it for the today. Thank you.